वेलकम टू सजीर बाइक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है बजाज कंपनी का 220 एफ मॉडल BS6 है। और इस बाइक में क्या हो रहा है, जब स्टार्ट दे रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, पिकअप जब हम ले रहे हैं ना उसी वक्त क्या हो रहा है, पिकअप हम लोग को अप डाउन कर रहा है और पिकअप ठीक से नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड्स इस बाइक में एक चेक इंजन लाइट आ रहा है, तो मेरे पास ये बाइक आया है तो मैंने बाइक को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद एक फॉल्ट दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों के पास भी इस तरह का प्रॉब्लम लेकर कोई आते हैं तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों का भी डाउट जो है दूर हो जाएगा और आप लोग काम कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये जो चेक इंजन लाइट है स्टार्ट होने के बाद बंद होना चाहिए, बट मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा अभी। बहुत ही एडिटिंग कर रहा है, बैटरी बैठ गया है, बैटरी बैठ गया है, स्टार्ट ठीक से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, स्टार्ट बाद में दिखाऊंगा बैटरी लगा के, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा एक्चुअली स्कैनर मैशिंग से हम लोग चेकअप करेंगे जो क्या फॉल्ट आ रहा है, कौन सा सेंसर हम लोग का कटा हुआ है वही हम लोग चेकअप करेंगे। तो यानी कि हमने यहाँ कनेक्शन लगा दिया है, पीछे पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मैंने जो लगाया है MS 309 मॉडल प्रो मॉडल है। तो चलिए इसको हम लोग ओके बटन मारता हूँ और पूरे बाइक को कैप्चर करेगा गाइस। तो ये कैप्चर कर लिया है, अब हम लोग ओके बटन मारेंगे और रेड कोड जो है यही हम लोग को पता चलेगा एक्चुअली क्या कोड आ रहा है। तो चलिए P0107 इसके लिए मैंने मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाया था, इस तरह का कोड अगर आप लोगों को आए तो क्या समझ में आए, कौन सा सेंसर ख़राब हुआ है। यहाँ मैनिफोल्ड अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ दिखाइए। तो फ्रेंड्स इसमें दिया जाता है थ्रोटल पे हम लोग का एक सेंसर, ये सेंसर हम लोग का ख़राब हो गया है, इसकी वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का जो यार जो जाता है इसी सेंसर की मदद से डिटेक्ट करता है कितना यार जाता है, कितना फ्यूल जाता है, गलत हिसाब से दिखा रहा है। तो हम लोग को इसको बदलना पड़ेगा तभी हम लोगों का ये जो कोड आ रहा है कोड कटेगा। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, यानी कि हम लोग अपडेट करेंगे यानी इरेज कोड पर मारेंगे, डन हो गया है। अब हम लोग यानी कि एक बार बैक में जाएंगे, ओके और मारेंगे, फिर भी कोड आएगा, मैंने अपडेट कर दिया फिर भी कोड आप लोगों को दिखाएगा। देखिए रेड कोड वही कोड आ रहा है, यानी कि फिर भी बता रहा है। तो प्रॉब्लम है ये सेंसर हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो चलो मार्केट से लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं एक्चुअली इसका कीमत कितना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स बैटरी मैंने इंस्टॉल किया और आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देखिए कभी कभी ले रहा है, देखो बैठ गया, फक 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 कर रहा है, ऑटोमेटिक बैठ गया है। देखिए ठीक से स्टार्ट नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है बैटरी, ये भी बैठ जाएगा। चलो बंद करते हैं, चलो सेंसर को लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है और देखिए इसका कीमत कितना है, 985 रुपये इसका कीमत है और पार्ट नंबर है 36PD0112। यही ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता है और 220 में पालसर में सब यही लगा रहता है थ्रोटल पर। तो चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा मारना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स यही हम लोग का मैग्नेट और ए मैग्नेट हम लोग को डिटेक्ट करेगा। तो चलिए एक जरा थोड़ा थोड़ा क्लियर दीजिए और कपड़ा दीजिए,
तो फ्रेंड्स क्या क्या आता है देखिए, इसके साथ मैग्नेट नॉट और ये आता है। तो चलिए इसको लॉक को खोलते हैं, लॉक ओपन करना पड़ेगा बस। तो फ्रेंड्स यहाँ एक कार्डिंग है और यहाँ भी कार्डिंग है थ्रोटल पर। तो चलो इसको कार्डिंग में हम लोग को यहाँ ग्रुप पर बैठाना पड़ेगा तभी काम करेगा। बस अब ये वाला जो नीचे लॉक करना पड़ेगा इसको। बस अब इसे यहाँ अटैच करेंगे। चलिए पाइप लगाता हूँ, कपलर अटैच करेंगे। बस अब हम लोगों को करना पड़ेगा अपडेट, यानी कि एसीएम को बताना पड़ेगा जो हमने सेंसर लगा दिया है, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। ओके अब नीचे आएंगे इरेज कोड पर, यानी कि ओके डन। और एक बार इग्निशन को बंद करेंगे। अब बाइक को एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो चेक इंजन लाइट आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करता हूँ बाइक को। बाइक पर कोई भी चेक इंजन लाइट नहीं दिखा रहा है, यानी कि चेक इंजन लाइट चल गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या देखा, बजाज पल्सर, बजाज कंपनी का जितना BS6 बाइक होता है 220 पल्सर, थ्रोटल बॉडी पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये वाला सेंसर। तो जो मैंने कोड बताया, एक कोड अगर आप लोगों के पास आता है तो ये सेंसर चेंज कर दीजिए, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, BS6 बाइक में एक चेक इंजन लाइट आ रहा था, पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा था, तो एक्चुअली आप लोगों को रिपेयर करके दिखाया। तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा है, तो आप लोग वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।